देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पापा ने हाल में ही जमीन खरीदी थी जिस पर पहले से ही आधा काम हो रखा था, मतलब पहले के मालिक ने उस पर घर बनाना शुरू भी कर दिया था, मगर उसने बीच में ही काम रोक दिया और उस प्लॉट के साथ वो घर भी कम दाम पर पापा को बेच दिया। पापा ने जल्दी ही उस घर का बचा हुआ काम खत्म करवा दिया और हम लोग उस अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। हमारा नया घर ट्रेन लाइन के पास ही था, मगर अब वो रेलवे लाइन इस्तेमाल में नहीं थी। मार्केट भी वहां से बेहद करीब ही था। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ही था, मगर रात को तकरीबन 1:13 होते तो एक ट्रेन के गुजरने की आवाज आती। उस आवाज से ऐसा लगता कि ट्रेन घर के बगल से ही गुजर रही हो। पहली रात तो हम लोग घर के बाहर भी आ गए ट्रेन को देखने के लिए, मगर बाहर कोई भी ट्रेन नहीं दिखी। हमें लगा शायद आगे कोई दूसरा रेलवे लाइन होगा जहां से ट्रेन गुजरती होगी। ये सोचकर हम लोग निश्चिंत हो गए और अब हमें उस 1:13 वाली ट्रेन की आवाज की आदत सी हो गई थी। ऐसे ही लगभग 2 हफ्ते बीत गए हमें वहां पर रहते हुए। ऐसे ही जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मेरी अचानक ही आंख खुल गई, क्योंकि मेरा बेड किसी रेलवे बर्थ की तरह हिल रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद भूकंप आया है, मगर कमरे की बाकी की चीजें तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। ऐसे में मैं सीधे अपने मम्मी पापा के रूम की तरफ भागा। पापा मम्मी को जब मैंने ये सारी बात बताई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वो मेरे साथ मेरे कमरे में भी आए जहां उन्हें कुछ भी वैसा नहीं दिखा जैसा मैंने उन्हें बताया था। फिर पापा मम्मी ये बोलकर चले गए, लगता है तूने कोई सपना देखा होगा, डरने की कोई बात नहीं है। पापा मम्मी तो चले गए और उनके साथ मेरी नींद भी। पूरी रात अपने बेड पर बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब सुबह हुई तो तब तक मेरी आंख लग चुकी थी और घर वालों ने भी मुझे सोता देख उठाया नहीं। फिर मेरी आंख दोपहर के 12 बजे के आसपास खुली तो उस वक्त सब कुछ नॉर्मल ही था, मगर कल रात वाली घटना अभी भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही थी। घर जब रात हुई तो फिर से एक बार हम सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। हमेशा की तरह 1:13 पर उस ट्रेन की आवाज फिर से सुनाई दी और वो आवाज सुनते ही मैं गहरी नींद में सो गया। देर रात फिर से एक बार मेरा बेड पिछली रात की तरह हिलने लगा था, जिस वजह से मेरी आंख खुल गई तो मैंने पाया कि मैं किसी ट्रेन की बोगी में हूं और एक बर्थ पर लेटा हुआ हूं। उस बोगी में काफी अंधेरा था। मैं आसपास देख ही रहा था कि एकदम से एक टीटी मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मेरी ओर देखते हुए बोला, टिकट। मैं तो इतने शौक में था कि मैं सिर्फ उस टीटी का ही मुंह ताके जा रहा था। जब एक दो बार उसके टिकट मांगने पर भी मैंने कुछ नहीं बोला तो वो टीटी भड़कते हुए बोला, अबे मुंह क्या देख रहा है, चल टिकट दिखा। इस पर मैं बोला, टिकट तो नहीं है मेरे पास। मैंने इतना कहा ही था कि उसने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जाने लगा, मगर मैं तब भी शांत बना हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये महज एक सपना है और कुछ नहीं। मगर जब वो मुझे घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जा रहा था तो मुझे दर्द महसूस हो रहा था। साथ ही उसका हाथ जिससे उसने मुझे पकड़ रखा था वो बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था, जबकि सपने में तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। इतने में ही वो टीटी मुझे घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले आया जहां पहले से ही 6-7 जने उसने पकड़ रखे थे। शायद वो भी मेरी ही तरह विदाउट टिकट थे। फिर उस टीटी ने हम सभी को एक लाइन में खड़ा किया, वो भी बोगी के गेट के पास। और जब ट्रेन एक ऊंचे पुल पर पहुंची तो उस टीटी ने एक एक करके उन 7 जनों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मैं तो ये देखकर इतना डर गया कि जोर जोर से चिल्लाने लगा।
फिर जब उस टीटी ने फेंकने के लिए मुझे पकड़ा तो मैं समझ गया कि ये कोई सपना नहीं है, ये सब सच में हो रहा है। और इतने में ही उस टीटी ने मुझे भी चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मगर जब उसने मुझे फेंका तो ट्रेन उस पुल से गुजर चुकी थी और मैं किसी ट्रैक पर बुरी तरह से नीचे गिरा पड़ा था। गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं किसी जंगल झाड़ियों के बीच नीचे पड़ा हुआ था। जब मैंने उठकर आसपास देखा तो पाया कि मैं अपने घर के पीछे वाले खाली प्लॉट में हूँ। मैं किसी तरह घर पहुंचा और घर वालों को सारी बात बताई। फिर जाके मम्मी पापा ने इस बात को सीरियसली लिया। जब पापा ने सही से उस जमीन के बारे में छानबीन की तो पता चला कि बहुत पहले उस जमीन से रेलवे ट्रैक गुजरती थी। मगर जब उसी जमीन पर एक टीटी की लाश मिली तो उसके बाद से किसी न किसी की लाशें उस जमीन पर एक के बाद एक मिलनी शुरू हो गईं, जिसके चलते जब छानबीन हुई तो प्रशासन ने अचानक ही गुपचुप तरीके से वो रूट बंद करवा दिया और कुछ जमीन के व्यापारियों ने सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ करके वो जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली। मगर जिसने भी वो जमीन उन व्यापारियों से खरीदी वो वहां बस नहीं पाए, उनके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता, जिसके चलते वो लोग जमीन छोड़ देते। कहते हैं कि उस टीटी की आत्मा वहीं उस रूट पर आज भी भटकती है और किसी को भी वहां रहने नहीं देती। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उस टीटी को कुछ लड़कों ने इसलिए मारकर फेंक दिया था क्योंकि उस टीटी ने उनसे टिकट मांगने की गलती कर दी थी। मगर उस रात तो उन्होंने उस टीटी को मारकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। मगर कुछ ही दिनों बाद उन लड़कों की भी लाशें उस पुल के नीचे वाली नदी में मिली। कहते हैं कि उसी टीटी ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। ये सब सुनने के बाद पापा की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस घर में रहें। लिहाजन हमने तीसरे हफ्ते में ही वो घर हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। मगर पापा ने वो जमीन बेची नहीं ताकि कोई दूसरा फिर से मुसीबत में ना पड़ जाए। आज भी वो घर वहीं पर मौजूद है मगर अब खंडर बन चुका है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।